नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। धार बस स्टैंड स्थित कांग्रेस भवन में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। जिले में दो गुटों में बटी कांग्रेस आज इस बैठक में एक साथ नजर आई और भाजपा सरकार के खिलाफ पूरे जिले में जन आक्रोश यात्रा निकालने को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए। धार जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमल किशोर पाटीदार ने बताया कि प्रदेश सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरे जिले में जन आक्रोश यात्रा निकालेगी। जन आक्रोश यात्रा को लेकर जिला कांग्रेस कार्यालय में उसकी रूपरेखा तैयार की गई। बताया गया कि कांग्रेस पूरी एकजुट होकर भाजपा सरकार के खिलाफ घोटालों को लेकर जनता के बीच में जाएगी। धार जिले में जन आक्रोश यात्रा 22 सितंबर को प्रवेश करेगी, जो सातों विधानसभा में यात्रा निकालेगी। अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के नेताओं कार्यकर्ताओं को जन आक्रोश यात्रा को सफल बनाने के लिए इस बैठक में दिशा निर्देश दिए गए। उसे हमें सफल किस प्रकार बनाना है वो हमको प्रयास करना है। जैसा कि पूर्ववक्ताओं ने हमारी बहुत सारी बातें रखी है कि समय का, निर्मल मेहता जी ने हमें पूरे संक्षिप्त में बताया कि समय का हमें ध्यान रखना है। जन आक्रोश यात्रा कांग्रेस पार्टी निकाल रही है, क्या दिशा निर्देश दिए गए कार्यकर्ताओं? जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं हम, मतलब 22 तारीख से पूरे जिले में भ्रमण करेगी 26 तारीख तक, और पूरे सातों विधानसभा में जाएगी और जगह जगह, मतलब हम जो भी नुकसान हुआ अभी, जैसे बाढ़ का नुकसान हुआ, किसानों की फसलों का नुकसान हुआ, और जो अत्याचार हो रहे हैं आदिवासी पे, दूसरों पे, महंगाई बढ़ रही है, उसके आक्रोश के संदर्भ में लोगों में बहुत आक्रोश हुए, इसके संदर्भ में हम जागृत करने हमारे क्षेत्र को निकल रहे हैं। तो देश को क्या दिया? देश को क्या दिया? तो अभी मैं आपसे एक बात करता हूं, क्या वो वक्त नहीं है? वो शिकायत करते हैं लोग कांग्रेस ने हमको क्या दिया? इतने साल हो गए साहब, हमको इतने साल जूते घिस रहे हैं, चप्पल घिस रहे हैं। जन आक्रोश यात्रा जो आ रही है, हम सब मिलकर के एकजुट होकर के इसको सफल बनाए। कुछ प्रदेश के दूसरे नेता हमारे जिले के अलावा, बहुत कड़वी चीज बोल रहा हूँ, प्रदेश के पूरे नेता उन नेताओं को घेर कर आके फोटो खिंचाने लग जाते हैं, कहीं ना कहीं फोटो वाले चले। धार से खबर समय जगत के लिए अल्ताफ खान की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।